हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटी सी चीज़ है कि हम अगर दाढ़ी के बाल या सर के बाल उखाड़ते हैं जो सफ़ेद हो चुके हैं, तो क्या उसकी जगह पे या उसके आसपास बहुत सारे बाल निकलेंगे और क्या वो सफ़ेद ही रहेंगे। बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं, ठीक है। तो इसमें जब भी मेरे पास सामने सवाल आता है, कुछ पेशेंट्स हैं जो बार बार ये चीज़ें पूछते हैं, कमेंट्स में मैंने कई जगह देखा है, तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, हर जगह मैंने पढ़ने की कोशिश की है कि इसको देखा जाए कि क्या चीज़ है ये, ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। तो देखिए, जनरली देखा जाए तो कहीं पे भी साइंटिफिकली ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप इसको उखाड़ेंगे तो यहाँ पे आपके सफ़ेद बाल आएंगे आएंगे, ऐसा कहीं पे भी मुझे नहीं मिला। अगर आप उसको उखाड़ते हैं, रूट से उखाड़ते हैं उसको, दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको कैंची से काट रहे हैं या फिर एक होता है आपने उसको उखाड़ दिया बिल्कुल जड़ से। तो यहाँ पे जो हेयर फोलिकल है वो आपका डैमेज हो गया है। मोस्टली केसेस में देखते हैं वो हेयर जो फोलिकल्स हैं, जो बालों की जड़ें हैं, जो रूट है, वो आपका डैमेज हो गया है। अब उसमें से बाल आपको थोड़े लेट भी निकल सकते हैं, उसमें से बाल आपको थोड़ा ब्राउनिश कलर का भी निकल सकता है, बाल आपको थोड़ा पतले रंग का भी निकल सक मतलब पतला भी निकल सकता है। अब उसका कलर कुछ भी हो सकता है, ये कोई स्पेशली प्रूव कहीं पर भी नहीं है कि आप उखाड़ोगे तो ऐसा हो जाएगा। बट एक्सपीरियंस की हम यहाँ पे बात करेंगे, वही ये साइंटिफिकली बात, अब करेंगे एक्सपीरियंस की बात, जो कि पेशेंट्स ने बताए हैं कि हमारे पहले दो तीन बाल थे, हमने उखाड़े हैं और हमारे बहुत ज़्यादा बाल छत्ते में निकलने शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत सारे पेशेंट्स का एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाल उखाड़ने से देखा जाए साइंटिफिकली तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, जो पेशेंट्स ने बताया है, वो देखा जाए तो ऐसा होता है कि आप ज़्यादा बाल उखाड़ेंगे तो आपकी समस्या क्रिएट होती है, ज़्यादा सफ़ेद बाल निकलते हैं। ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो, क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या चीज़ हमें लगानी चाहिए। इसके दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, प्लीज़ जाके आप उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है आप इसमें अपनी एज लिखेंगे कि मेरी उम्र इतनी है, क्या मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इससे पहले कि आप जाके मेरे दूसरे वीडियोस देख लीजिए जहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। दो तीन महीने, तीन चार महीने आप लेके देख सकते हैं, उनसे होगा तो होगा, अदरवाइज और कोई मेडिसिन नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।